है, उनका जिक्र करना भी नज़रे हुसैन है। तो लीजिए, हाय कैसी चली जुल्म की आंधियां, खानदाने शहे दो जहां लुट गया। मैंने बता दिया आप लोगों को, मेरी जिंदगी की पहली शहादत है ये जो मैंने लिखी थी। घड़ी दो घड़ी में, घड़ी दो घड़ी में ये क्या हो गया, नबी का चमन करबला हो गया, नबी का चमन करबला हो गया। घड़ी दो घड़ी में ये क्या हो गया, नबी का चमन करबला हो गया। घड़ी दो घड़ी में, पहला शेर हजरत मासूम असगर की नजर है, समाप्त। को जब आन कर लगा तीर असुगर, को जब आन कर कहा बीबी बानों ने दिल थाम कर, मेरा लाल मुझसे, मेरा लाल मुझसे जुदा हो गया, नबी का चमन करबला हो गया, नबी का चमन करबला हो गया। और ये शेर जो आपको अब सुनाने जा रहा हूं, बड़ी तवज्जो के साथ। लकासी में दूल्हा भी शहदा हुए, लकासी में दूल्हा भी शहदा हुए, लकासी में शहदा हुए, सभी ये पयंबर भी कुर्बान हुए, सभी ये पयंबर भी कुर्बान हुए, फिदा हक पे एक एक, फिदा हक पे एक एक जवान हो गया, नबी का चमन करबला हो गया, नबी का चमन करबला हो गया। और अब एक शेर सैयदना अब्बास गाजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिनका वाक़यात करबला में तज़किरा बड़ी आलीशान और बड़ी जाफ़रशानी का है, समाअत फरमाएंगे। तो बाजू कलम
कर दिया आपका वहां भी अजब हादसा हो गया। नबी का जमल करबला हो गया, नबी का जमल करबला हो गया। करबला एक ऐसा नाम है जो पहले करबला मंजिले करबो बला कही जाती थी, और अली के फूलों ने, फातिमा के लालों ने, नबी के नवासों ने करबला को जन्नत बना दिया। ये दश्त था, एक मैदान था जिसे करबला की फजीलत अता की मेरे आका इमाम ने, और इसी मद्देनजर मैंने कहा कि नबी का चमल करबला हो गया। अब ये तीनों शेर गौना भाई, चिश्ती भाई, अर्गन भाई, छोटू भाई, इब्राहिम भाई और माशाअल्लाह सभी लोग, सुगनू भाई वगैरह, बबलू भाई, एक एक आदमी तवज्जो से सुने। ये तीनों के तीनों शेर नजरे हुसैन हैं। हजरत इमाम अली मकाम कूफियों के रूबरू पहुंचकर उनको बार बार समझाने की कोशिश करते थे। वो जानते थे कि ये मेरे नाना के उम्मती हैं, मेरे खून के इल्जाम में कयामत के दिन पकड़े जाएंगे, इसलिए आप चाहते थे कि ये ऐसी गलती ना करें, अभी भी रुक जाएं। ये इमाम की ख्वाहिश थी मगर ऐसा हुआ नहीं। इन्हीं बातों को जहन में रख के ये शेर मैंने कहे हैं। चिश्ती भाई सुनिएगा। मैं इब्ने अली हूं, जरा जान लो, मैं इब्ने अली जान लो, नबी का नवासा हूं पहचान लो, नबी का नवासा हूं पहचान लो, वो ईमान तुम्हारा, वो ईमान तुम्हारा कहाँ खो गया। नबी का जमल करबला हो गया, नबी का जमल करबला हो गया। और अब इस शेर को सुनने से पहले दिल दिमाग अगर कहीं पे हो तो उसको एक जगह ले आइएगा। इमाम ने जो ये बात बताई, ये बात बहुत पते की बात थी मगर कूफी फिर भी ना समझ पाए। मेरे नाना का कलमा पढ़ते हो तुम, मेरे नाना का कलमा पढ़ते हो तुम, और मुझे कत्ल करने को पढ़ते हो तुम, मुझे कत्ल करने को पढ़ते हो तुम, ये नाना की उम्मत, ये नाना की उम्मत को क्या हो गया, ये नाना की उम्मत को क्या हो गया, नबी का चमल करबला हो गया, नबी का चमल करबला हो गया। और तीसरा शेर, चिश्ती भाई इस शेर को भी सुनना और सभी लोग तवज्जो से सुने, मगर जो लोग
मंच पे स्टेज पे साथ जाते हैं उन लोगों को ये नया शेर सुना रहा हूं। सीतम की सीतमगर की एक देह ऐसी लगी। मेरे आका हुसैन के मर्तबे को जहन में रखें, नबी और हुसैन की रब्बत को जहन में रखें, उनके ताल्लुकात को जहन में रखें और इस शेर को सुने। सीतमगर की एक देह ऐसी चली के जो था बना बोसा गाहे नबी। बेशक बेशक इमाम के गले को हुसैन का गला तो कहते ही हैं, मगर हुसैन के गले को नबी की बोसा गाह भी कहते हैं। हुजूर हमेशा इमाम हुसैन के गले को चूमा करते थे, ये बोसा गाहे नबी कहलाती थी। इमाम की गर्दन इमाम का गला बोसा गाहे नबी है। सितमगर की एक देह ऐसी चली के जो था गला बोसा गाहे नबी। वही हल्क वही हल्क नजरे खुदा हो गया, नबी का जमल करबला हो गया, नबी का जमल करबला हो गया। और ये आखिरी शेर, अल्लाह का शुक्र है कि रोशनी अभी तक साथ दे रही है। दोबारा सुनने की फरमाइश है हमारे अमजद भाई की। सितमगर की एक देह ऐसी चली के जो था बना बोसा गाहे नबी। वही हल्क नजरे खुदा हो गया, नबी का चमल करबला हो गया, नबी का चमल करबला हो गया। आखिरी शेर समाप्त करेंगे। अच्छा अच्छा हमारे बाबू भाई की फकर का शेर फिर समाप्त फरमाए। लगा तीर को जब आन कर लगा तीर असूगर को जब आन कर कहा बीबी बानो ने दिल थाम कर मेरा लाल मुझसे मेरा लाल मुझ से जुदा हो गया, नबी का चमल करबला हो गया। और ये तमाम मामले अल्लाह को राजी करने के लिए थे। अल्लाह राजी तो सब राजी, नबी राजी तो पूरी कायनात राजी। तो हुसैन ने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खुश नवेदी हासिल की थी, इस सबब से ये मक्ता मैंने लिखा है। समाप्त कीजिएगा और समझदार ही समझेंगे इस मक्ते को, हर आदमी के समझ में नहीं आएगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इस शेर को उल्टा सुल्टा समझेंगे। ए राजू बहुत खुश थे इब्ने अली। मार का एक करबला एक ऐसा इम्तहानी समंदर था
जिसे डूबना तो आसान था लेकिन पार करना मुश्किल था, मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन था। कत्ले हुसैन के बाद दुनिया से अल्लाह ने इम्तहान भी उठा लिया, फिर अल्लाह के किसी बंदे का वैसा इम्तहान ना हुआ जैसा इम्तहान हुसैन का हुआ था। तो हुसैन ने अपने इम्तहान में कामयाबी हासिल की, पास हो गए, तो जाहिर है खुश होना ही होना है। ए राजू बहुत खुश थे इब्ने अली जो नाना से मैंने किया था कभी, जो नाना से मैंने किया था कभी, मेरा आज वादा, मेरा आज वादा वफा हो गया, नबी का चमल करबला। घड़ी दो घड़ी में ये क्या हो गया, घड़ी दो घड़ी में ये क्या हो गया, नबी का चमल करबला हो गया, नबी का चमल करबला हो